नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूँ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 31 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पूर्णिमा है, सुबह 7:07 तक। आगे प्रतिपदा तिथि आ जाएगी और आज का वार है गुरुवार। श्रावणी पूर्णिमा का व्रत दान धर्म आज ही के दिन होंगे और आज से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र शाम 5:45 तक है, आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। योग सुकर्मा है शाम 5:15 तक, आगे धृति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण बालव है शाम 5:12 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच है। दिन में 4 दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:19, 11:10, फिर दोपहर बाद 3:25 और 4:16। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए और थोड़ा सा दही जीरा खाकर 5 पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ रहकर मुझ पर कृपा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत ही मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11:00 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 5:30 से लेकर रात्रि 9:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है, इस दौरान अच्छे एफर्ट्स करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति ला रहा है ये दिन, इसका सदुपयोग करें। और वृष राशि वालों के लिए करियर को लेकर निर्णायक दिन साबित होगा। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के नए अवसर ला रहा है ये दिन। और कर्क राशि वालों के लिए अचानक से तबियत खराब होने से परेशानी भरा रहेगा आज का ये दिन। और सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाएगा ये दिन। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही योगकारक दिन है आज, पराक्रम में होगी वृद्धि। तुला राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक शुभ दिन है, सफलता के चांसेस बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातक आज वाहन बदलने का विचार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। और मकर राशि वाले आज पुराने निवेश से लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले रहेंगे मानसिक रूप से काफी परेशान। और मीन राशि वालों के लिए है हर प्रकार से नुकसान का दिन, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आज सोच समझ के करें। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज बात करेंगे पंचक के विषय में कि पंचक क्या है। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज से पंचक शुरू हो रहे हैं, तो इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक का काल कहलाता है। इस तरह से चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। अब पंचक में जो कार्य नहीं किए जाते हैं वो 5 कार्य हैं। शास्त्रों में इन 5 कार्यों को बताया गया है जिन्हें पंचक काल के दौरान नहीं करना चाहिए, जैसे कि लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, दूसरा है मकान या छत डलवाना, तीसरा है शव जलाना, चौथा है पलंग या चारपाई बनवाना और है दक्षिण दिशा की यात्रा करना। अब लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाएं, उसके बाद ही छत डलवाएं। ऐसे ही अगर पंचक काल में शवदाह करना अनिवार्य हो, अंतिम संस्कार अनिवार्य हो, तो शवदाह करते समय 5 अलग अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य जला दें। इसी तरह से पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना अति आवश्यक हो तो पंचक काल की समाप्ति के बाद ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें।
अंत में ये कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा अनिवार्य हो तो हनुमान जी के मंदिर में फल चढ़ाकर ही यात्रा प्रारंभ करें। ऐसा करेंगे तो पंचक के दोष दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, आप बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे ही दर्शकों, कारोबार में अगर लगातार घाटा हो रहा हो, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई हो, लगातार आपको असफलता हाथ लग रही हो और कहीं से भी कोई ऐसे आसार न नजर आ रहे हो कि इन समस्याओं से बाहर आ सकें, तो आज गुरुवार के दिन सुबह 11:15 से 12 बजे के बीच एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लिपटा हुआ, साथ में एक जोड़ा जनेऊ यानी यज्ञोपवीत का जोड़ा, 1.25 किलो पीले रंग की मिठाई, एक लाल गुलाब की माला, एक पीले पुष्पों की माला अपने आसपास किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपनी उन्नति के संकल्प और समस्या निवारण की आर्त भावना के साथ प्रार्थना करते हुए अर्पित कर दें। फिर वहीं मंदिर में बैठकर इस विशिष्ट स्तुति को, इस मंत्र को आपको जाप करना है 5 माला। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है कि गोप स्वामी गोकुलेंद्र गोवर्धन वर प्रदे नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन है। फिर से समझते हैं, गोप स्वामी गोकुलेंद्र गोवर्धन वर प्रदे नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन है। इसकी 5 माला का आपको जाप करना है और फिर कल से नित्य 1 माला अपने घर पर आप इसका जाप करते रहें। इससे क्या होगा कि जल्दी ही, बहुत जल्दी आपके व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होने लगेंगी, आगे से आगे आर्थिक संबल आपको मिलने लगेंगे, व्यवस्थाएं सुधरने लगेंगी, जो विपरीत परिस्थितियां थी वो आपके अनुकूल होने लगेंगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को लगातार अपनी आजीविका में समस्या बनी रहती है विपरीत ग्रह योगों से या फिर किसी वास्तु दोष से, दृष्टि दोष से, इन सब वजहों के चलते आपके काम धंधे शुरू होकर बंद हो जाते हैं या नौकरी नहीं मिल रही हो और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी महामारी की तरह आपको लीलने पर आमादा हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में एक उपाय आपको इस समस्या से बाहर ला सकता है और जीवन जीने की एक नई राह दिखा सकता है, सफलता का एक नया मार्ग दिखा सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि अपना मुख ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में करें, काशी विश्वनाथ को प्रणाम करें मानसिक रूप से, तुलसीदास बाबा को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, श्री सीताराम जी सहित बाकी तीनों भैया को प्रणाम करें, अपनी पीड़ा राम दरबार के समक्ष बोलकर संकल्प पूर्वक नित्य 5 माला इस विशिष्ट चौपाई की शुरू कर दें। 3-4 हफ्ते या फिर ये समझ लीजिए कि महीने भर बीतते बीतते आपकी नौकरी व्यापार आदि की व्यवस्था बननी लगेगी। हालांकि इसका जो सटीक प्रभाव, अगर आपने अच्छे से इसको पूजा कर लिया तो 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपका काम बन जाएगा। इसे लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे तो जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। ध्यान से समझिएगा, चौपाई इस प्रकार है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। 5 माला कीजिए, चमत्कार देखिए, धूप दीप प्रसाद के साथ जाप करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बारी है आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ही है, हमारे दर्शक अवनीश जी की। 23 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है, 11:19 कोलकाता। वर्किंग एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल कब तक बनेगा, यानी एक डॉक्टर के रूप में जॉब कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल कब बना लेंगे ये पूछ रहे हैं। अवनीश जी, आपका मीन लग्न तुला राशि है, लग्न भाग्य कर्म आय भाव प्रबल हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो ये दर्शा रहे हैं कि राजयोग से युक्त है आपकी जन्म पत्रिका, लेकिन पंचम भाव में केतु की उपस्थिति, पंचमेश चंद्र का अष्टम में होना ये दर्शा रहा है कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो हमेशा आप इसी तरीके से परेशान होते हैं, तो इस मसले पर धैर्य बनाए रखें क्योंकि अभी जुलाई 2026 तक आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। आप शनि राहु केतु की शांति करवा लीजिए, चंद्रमा के 7 गुना जाप करवाइए, एक बढ़िया सा मोती पहनिए, 2026-27 में आपके हॉस्पिटल बनने के योग बन जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका ये है हमारे दर्शक विवेक गुप्ता जी की, 26 मई 1994 का इनका जन्म है, 5:24 चूरू। प्रश्न किया है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं का उपाय बताइए। देखिए विवेक जी, आपका तुला लग्न वृश्चिक राशि है, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर उपस्थित मंगल और केतु पर पड़ रही है, तो आपका तलाक या संबंध विच्छेद होना तय है। कुछ एक उम्मीद ये हो सकती है कि आपकी पत्नी के सौभाग्य और एक पति का योग जन्म पत्रिका में हो।
फिर भी आप शनि केतु मंगल की शांति करवाइए और आप अपनी पत्नी के साथ फिर से एक बार फेरे ले लीजिए, शायद आपकी गृहस्थी इससे बच जाए, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ही मुश्किल योग है इसको लेकर। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप जब हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।